जगन्नाथ स्वामी माँ कर्मा राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर साहू राठौर एकता सामाजिक जनजागृति रथ यात्रा विगत अप्रैल माह 2022 से निरंतर चल रही है, जिसका समापन 19 मार्च 2023 को जम्बूरी मैदान भोपाल में सामाजिक बंधुओं की उपस्थिति में संपन्न होगा, जिसमें तेली साहू राठौर समाज का महाकुंभ सुनिश्चित किया गया है, जिसके लिए यह आमंत्रण यात्रा मध्य प्रदेश के सभी जिले तहसील इकाइयों में निकाली जा रही है। इसी के तहत यह यात्रा शहर के नरेंद्र मोदी खेल प्रसार मैदान से शुरू हुई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई प्रारंभ स्थल पर समाप्त हुई। इस दौरान जगह जगह पर स्वागत द्वार लगाकर पुष्प वर्षा किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत भी उपस्थित रहे। Yeah।
निश्चित ही ये समाज नगर को माता कर्मा जी का आशीर्वाद मिले, यह नगर धन्य बन गए। नगर के प्रत्येक व्यक्ति अच्छा।
नायक जी ने 1,80,000 रुपए की मदद उन्होंने उस के लिए मदद में दी। समाज द्वारा मैं उनका स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूँ कि वह आए और समाज के हमारे धर्मेंद्र जी गुप्ता, सत्यनारायण जी राठौर साहब, महेश जी राठौर साहब आए, उनका माला पीना का स्वागत अभिनंदन करें। सभी अपने स्थान पर बैठे। अब मैं सत्यनारायण जी राठौर अभिनंदन करूंगा कि वह विधायक जी का सभा में सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आप हमेशा राठौर समाज के लिए हमेशा अग्रणी रहते हैं। बहुत हो गया है आपका तो, मेरे घर का आदमी है आप। भाई साहब से निवेदन करता हूँ कि वह संपूर्ण राठौर समाज के हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष जी, हमारे संभाग के संरक्षक जी, यहाँ पर उपस्थित नागदा के सभी मेरे राठौर समाज के अलग अलग भिन्न भिन्न आपके वो हैं, पर कुल मिला के हम हैं एक ही जो माता जी को मानते हैं। सारे वरिष्ठों को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ। युवा दोस्तों, ये मेरा सौभाग्य है कि जबलपुर से जो यात्रा प्रारंभ होगी और भोपाल में जिसकी यज्ञ की पूर्ण आहुति होगी, उस यात्रा का मुझे आज दर्शन करने का और मेरे लिए गर्व और प्रसन्नता की बात यह है कि माता जी की पालकी का आशीर्वाद भी मैंने सर पर रखकर और उनसे आशीर्वाद मांगा है। ये एक मुझे लगता है कि किसी समाज के द्वारा निकाली गई जो बड़ी यात्राओं में से होती है, उसमें एक यात्रा मुझे लगता है ये भी है कि इतने 52 जिलों के अंदर ये यात्रा जाएगी और जब भोपाल में समापन होगा उस वक्त आपका लाखों समाज के 5,00,000 समाज के हमारे आशीर्वाददाताओं को एकत्रीकरण का आपने जो लक्ष्य लिया, मुझे लगता है 5,00,000 लक्ष्य बहुत बड़ा लक्ष्य, बहुत बड़ा लक्ष्य। लेकिन आपकी जो मेहनत है, आपकी जो लगन है, आप जिस उन्नत लक्ष्य को लेके आप निकले हैं, वो माता जी जरूर पूरा करेगी। मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूँ कि राठौर समाज का मुझे खूब आशीर्वाद मिलता है, खूब आशीर्वाद, उनका खूब स्नेह रहता है। संपूर्ण राठौर समाज के बीच में जाके मुझे अब हमेशा ऐसा लगता है कि ये अपने हैं और मैं उनके बीच में जाके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। भाई महेंद्र ने कहा, ये महेंद्र भैया, मैंने कहा कि कुल मिला के मैं प्रदेश अध्यक्ष जी को भी बताना चाहूँगा कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य है कि किसी भी जरूरतमंद को मैं पैसों के अभाव में उसकी ज़िंदगी जाने नहीं देता हूँ। ईश्वर का आ गया तो ठीक है, नहीं तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ। रात को अगर कोई 2 बजे भी मेरे पास आता है तो मैं सुबह उठ के भोपाल जाके और माननीय शिवराज सिंह जी से राशि जितनी जो ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए ये कोई बिल्कुल बोलने जैसी चीज़ नहीं, ये मेरा धर्म भी है और मेरा कर्तव्य भी है। जनप्रतिनिधि क्यों होता है? जनप्रतिनिधि इसीलिए होता है कि हम जरूरतमंदों की मदद कर सकें, समय पे उनके साथ सुख दुख में खड़ा हो सके, इसीलिए होता है। और बाकी क्या काम है? कोई काम नहीं। जनप्रतिनिधि विकास तो जो होता है सामान्यतः व्यक्ति होता ही, लेकिन मैं इस समिति का खूब खूब स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि मेरे घर पे मंगल कार्य है, बिटिया का विवाह, उसमें काफ़ी व्यस्त हूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा सत्कार वगैरह नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे वह है। लेकिन मैं आपको हाथ जोड़ के खूब स्वागत करता हूँ। भाई महेंद्र का बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि महेंद्र का फोन नहीं आता तो शायद मैं आपके दर्शन और माता जी से आशीर्वाद नहीं ले पाता, उनको धन्यवाद देता हूँ। समाज के सारे लोगों को खूब धन्यवाद देता हूँ और उनसे ये विनती करूँगा कि जो आपकी समाज की धर्मशाला है उसको जल्दी बनाओ, उसमें जो लगेगा, जो जरूरत होगी, उसमें जो यज्ञ में आहुति होगी वो यज्ञ में करेंगे, लेकिन उसको अब जल्दी करो। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गणमान्य नागरिक और मातृशक्ति से निवेदन करना चाहता हूँ कि कुछ ही क्षण पश्चात हमारी आराध्य देवी माँ कर्मा देवी का भव्य आरती शुभारंभ पूजन कर आरती प्रारंभ होने जा रहा है। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप अपनी जगह पे अपने स्थान पे खड़े हो जाए।